तो ऐसा ऐसा ये बनेगा। और ये बहुत ही ना वो मज़े के ना जो बनते हैं तवा बोटी, वो बनानी है। तो अभी इसमें मैं दम पेश लगाऊंगी। और ये हमारी छोटी डोर और ये हमारी बड़ी डोर, और ये दोनों मेरी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपके। हमारी तरफ से ना आप सबको, जो भी हमारी फैमिली है सबको दिली ईद मुबारक कबूल हो। और शुरू करते हैं वीडियो, तो सलाम करो बच्चों। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये देखें, शुरू मैंने किया है बच्चों की तैयारी से, तो बच्चे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं इसके लिए और बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, बहुत ही खुश हैं। रिहाब, ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक बोलो। यहाँ तुम बोलो साथ। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें बच्चों ने कितने प्यारे ड्रेस पहने हुए हैं, तो आपने कमेंट्स में बताना है कि ये कैसे लग रहे हैं। वाओ वाओ, और हेयर स्टाइल भी दिखा रही हूँ, इधर आओ। तो बाहर भी शोर काफ़ी है क्योंकि सामने से ट्रैफिक जा रही है, इस वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। तो पीछे जाओ ज़रा, उधर से आओ चल के, आ जाओ आप आगे। और ये हमारी छोटी डोर और ये हमारी बड़ी डोर, और ये दोनों मेरी ना की बेटियाँ। चलो सारे उधर सामने, और सारी उनका भी ड्रेस देखें कैसा है। चलो जी अब जाओ उधर। और ऊपर ना काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। आ जाओ नीचे, आ जाओ, ऊपर धूप है। चलो हाँ जी जी, तो आज ना बच्चों ने बहुत इंजॉय किया सारे दिन, ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा। अभी टाइम हुआ है ये गोश्त बनाने का, तो आज मैं बड़ी आसान सी रेसिपी बनाने लगी हूँ। ये गोश्त मैंने धो के रख लिया है, बड़े मज़े की बनती है ये रेसिपी। तो इसमें मैंने डालना है लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तो गोश्त जो है ना वो मैंने धो के इधर डाल लिया है, और ये मैं बाकी चीज़ें इसमें डालने लगी हूँ। ये बड़ा ही मसालेदार और बड़ा ही ना मज़े का बनता है। ये मैंने डाली है लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और अब इसमें मैं नमक मिर्च मसाले सारी चीज़ें डालती हूँ। हाँ जी, तो इसमें ये मैंने डाली है नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और मसाला, और साथ ही ये टमाटर मैंने पेस्ट बना के इसमें डाला है। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं, तो अब ना इसे मैं हल्की आँच पर दम पे रख सा ये बनेगा। और ये बहुत ही ना वो मज़े के ना जो बनते हैं तवा बोटी, वो बनानी है। तो अभी इसमें मैं दम पेश लगाऊंगी, गोश्त जो है ना वो ज़रा नरम हो जाए, तो फिर आगे मैं इसका दिखाऊंगी कि मैंने क्या करना है। तो साथ रहिएगा। ये जो स्टीम रोस्ट बनाना स्टार्ट किया था वो कंप्लीट होने वाला है तकरीबन, इसको स्टीम पर रखा था, तो जो इसका बीफ का अपना पानी था वो सारा पहले उसका निकला है, फिर उसको फुल ड्राई किया है।
मम्मा जो थी वो पहले बना रही थी, अब उन वो गेस्ट आ गए हैं तो उधर चले गए हैं, तो अब हम इसको खुद कंप्लीट कर रहे हैं। अभी ना इसका एक काम रहता है फिर ना, क्या ये ना बच गया था, इसको ना भून के ना मतलब इसको सारा वो ड्राई करके तो इसको तवे के ऊपर ना एक दफा करना है, लेकिन मैं वो नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं आता वो, हमें नहीं, हमने अभी इसको अपनी मर्जी से करना है ना। तो ये थोड़ा सा इसका हम दूर छोड़ देंगे, हमने रेसिपी की वो थोड़ी सी चेंज कर ली है ना, तवे के ऊपर कुछ बता रहे करना, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही ना कि हम कैसे करें इसको। उन्होंने कुछ कहा था टिक्का स्टाइल में बनाने के लिए तवे के ऊपर, तो वो हमें वो एंड वाली की समझ नहीं आई, हमने ऐसे ही बना के रख देना है, क्योंकि वो जो होता है ना वैसे गर्म तवे पे कच्चा गोश्त करते हैं ना इसको, तो वो फिर कच्चे ही रह जाना था, तो उन्होंने पहले इसको स्टीम किया, तो बाद में इसको वो करेंगे इसके टिक्के बनाएंगे। यहाँ तक तो मैं कामयाब हो गई हूँ, बाकी का फिर शेयर करते हैं। हाँ जी, ये देखें ये हमारा जो था क्या था तवा टिक्का, टिक्का हाँ जी वो तैयार हो चुका है, तो अब जो है हम इसको मजे ले लेके खाएंगे लीमू के साथ। हाँ जी, हाँ जी, तो करीबन मैं ना अपने माँ के छोटे पास चली गई थी, तो जो अभी ऐसी छोड़ के बेटी के सर पे के सुनो अभी से कवर करो, तो माशाल्लाह से बहुत ही देखिए ना तैयार हो चुके हैं मेहमानों के पास, अब मैं अब जा रही हूँ तो सबने ना खा लिए हैं, बहुत ही मज़े के ये देखे सीख के बगैर कबाब बन चुके हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, सिर्फ इसमें ये कमी रह गई थी कि वो थोड़ा सा इन पे जैसे तवे में डाल के तो ऊपर से दम दे देना था, थोड़ी देर ढाम के रख देना था, तो इस पर वो ना तवे की जो खुशबू होती है वो शामिल हो जाती है, तो वो रह गई कसर, बाकी सब माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के लिए बन चुके हैं, तो अभी मैं खाऊंगी, मैंने चेक किए हैं बहुत ही मज़े के बन गए हैं, तो आपने भी ये रेसिपी ना ज़रूर ट्राई करनी है। वैसे तो ये ईद का गोश्त जो होता है ना मुश्किल से खाया जाता है, तो फिर ऐसे ये ना मुख्तलिफ तरीक़ों से ना इसे बना के तो मज़े से खाया जा सकता है, तो मैंने ये रेसिपी ऐसी सब्जियाँ बहुत ही खुश होकर खाई है और मुझे भी मज़ा आ रहा है, मैं भी खा रही हूँ, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं ऐसे, मुझे तो ना सीख के बगैर ये ऐसे मज़े के बनते हैं, क्योंकि वो कोयले पे ना जल जाते हैं तो ये जलते भी नहीं हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो अभी मैं इसे खाऊंगी और ख़त्म करूंगी। तो करीब ये थी मेरी आज की वीडियो ईद के लिए स्पेशल, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो अकेला शेयर करना और मेरे चैनल ज़्यादा फैमिली लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, दो हमें याद रखना, मैं भी आप सब घर में दो हमें याद रखती हूँ, शादे हैं बाद रहे हैं हमसे मुस्कुराते रहें, इसी तरह के साथ वीडियो भी करती हूँ एंड, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही ना ईद की हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब करें, भेज रहे हैं तो अगली फैसली के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।